हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी, बहुत सारी सब्जियों से बनकर तैयार होने वाले पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। हमने यहाँ पर एक बड़े बाउल पे ये मैक्रोनी ली है पास्ता, इसे हम बॉयल करेंगे। पास्ता बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लीटर के करीबन पानी लिया है और इस पानी पर मैं ये मैक्रोनी डाल दूंगी इस तरीके से। और यहीं पर हमें डालना है ये 2 चम्मच नमक और अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और इसे अच्छी तरीके से पक जाने तक हमें उबालना है। इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूंगी। ये देखिए, ताकि आपस में पास्ता एक दूसरे से चिपके नहीं। हमें बीच बीच पर इसे चलाते रहना है ताकि पास्ता एक दूसरे पे चिपके नहीं अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड, पास्ता हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे ड्रेन आउट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, पास्ता हमारा पक चुका है, तो हम इसका पानी जो है वो निकाल लेते हैं, किसी छन्नी में इसे छान लेंगे हम। तो देखिए, सब्जियों में मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिया है, 2 प्याज लिया है, 1 कटोरी मैंने हरे मटर लिए हैं फ्रोजल, यहाँ पर 2 शिमला मिर्च ली है, 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, लहसुन की कलियाँ ली हैं, नींबू लिया है, और यहाँ पर मैंने बीन्स ली है बरबटी, और यहाँ पर मैंने ये अदरक ली है। अब इन सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इस पर हमने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। गैस को हमने ऑन कर लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पर डालेंगे ये लहसुन जो हमने कद्दूकस करी है, और इसके ही साथ हम डालेंगे ये अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से भूनने देंगे। यहीं पर मैं डालूंगी ये सरसों दाने 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच ही मैं डालूंगी ये जीरा, और यहाँ पर मैं डालूंगी कुछ करी लीव्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तभी डालिए, नहीं तो मत डालिए। और यहीं पर मैं डालूंगी ये हरी मिर्च, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। तो ये सारी चीज़ें भुज चुकी हैं, तो अब हम इस पर एक एक करके सब्जियाँ ऐड कर देंगे। तो हम इस तरीके से प्याज डाल देंगे, और यहीं पर हम ये शिमला मिर्च डाल देंगे जो हमने काट करके रखी है सारी सब्जियाँ। यहीं पर हम ये बीन्स डाल देंगे बरबटी, और यहीं पे हम ये मटर डाल देंगे और सारी चीज़ों को भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है और इसे हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। अब यहाँ पर मैं डालूंगी ये 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और यहीं पे मैं डालूंगी ये 1/2 चम्मच लाल पीसी मिर्च, और यहीं पे मैं डालूंगी ये धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है ताकि सब्जियां अच्छे से पक सके। यहाँ पर मैं डालूंगी ये टमाटर, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें धीमा कर देना है और ढक करके हमें इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेना है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए। तो देखिए फ्रेंड, सब्जियां बिल्कुल हमारी पककर तैयार हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब्जियां पक चुकी हैं। ये बहुत सारी सब्जियों वाला पास्ता मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो अब हम इस पर ये जो मैक्रोनी हमने उबाल करके रखी है इसे ऐड कर देंगे और इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं डालूंगी ये नींबू जो मैंने लिया था, उसे इस तरीके से हमें इस पर रस को निकाल देना है। आप नींबू की जगह अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। यहीं पर मैं डालूंगी ये टमाटो केचप, आप टमाटो केचप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच के लगभग ये टमाटो सॉस डाला है और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और पास्ता हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बेहतरीन पास्ता बना है, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद आते हैं। निकाल लेंगे इसे एक प्लेट पर। तो देखिए फ्रेंड, बनकर तैयार है हमारा ये खूब सारी सब्जियों वाला टेस्टी पास्ता। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही आसान सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।